महोदय, भारतीय पंचांग में गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण दिन है जो प्रतिवर्ष हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था में गोधन के महत्व का स्मरण कराता है। देश के जीवन में गोधन के ऊंचे स्थान को ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निश्चय किया था। गोधन की पूजा प्राचीन काल से इस दिन की विशेषता रही है। दुर्भाग्य से कालांतर में हम इस पर्व के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए और गाय की पूजा मात्र से संतुष्ट होने लगे। इस पर्व के महत्व के विषय में जनता को ठीक रूप से अवगत कराने और पशुपालन में जनसाधारण की रुचि पैदा करने के उद्देश्य से स्वाधीनता के बाद गोपाष्टमी को राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। 1950-51 के अनुमान के अनुसार गोधन के द्वारा राष्ट्र की आय 660 करोड़ रुपए थी। यही कारण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखे गए विकास कार्यक्रम में पशुपालन और नस्ल सुधार को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, जबकि पहली योजना में इस मद पर 22 करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था थी। दूसरी योजना में पशुपालन और दुग्धशाला आदि के लिए 56 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। यदि हम देहातों में रहने वाली देश की अधिकांश जनता को पूर्ण लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पशुपालन और पशुओं के नस्ल सुधार के काम को अधिक महत्व देना पड़ेगा। साधारणतया हमारे देश में गाय को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु इस आदर का आधार धार्मिक भावना है। जीवन में गाय की व्यवहारिक उपादेयता नहीं, धार्मिक भावना से इसका संबंध जोड़ने में भी मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती, किंतु केवल इसी विचार से गौ सेवा का व्रत लेना और व्यवहारिक उपयोगिता को कोई स्थान ना देना गोपाष्टमी की प्राचीन परंपरा के लिए घातक है। यदि हम इस पर्व के मनाने को सार्थक करना चाहते हैं तो हमें गाय की देखरेख और पशुपालन को एक व्यवसाय का रूप देना होगा अथवा इसका आधार आर्थिक मानना होगा और इसकी व्यवस्था लोगों के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से करनी होगी। भावुकता में बुद्धि का पुट मिलाने से हमें गोपाष्टमी पर्व की स्थापना में ही वृद्धि नहीं करेंगे, बल्कि अपनी धार्मिक भावना की भी अधिक रक्षा कर सकेंगे। हमारे देश के प्रायः सभी भागों में पिंजरा पोल और गौशालाएँ धर्मार्थ संस्थाओं के रूप में चलाई जाती हैं। इस कार्य में प्रायः आर्थिक दृष्टिकोण को स्थान नहीं दिया जाता। हमें इस कार्य प्रणाली को बदलना होगा और गाय तथा दूसरे घरेलू पशुओं की देखरेख आदि के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसका आधार आर्थिक बनाना होगा। मैं नहीं समझता कि यह काम किसी भी प्रकार से असंभव या कठिन है। हमें इसे वैज्ञानिक ढंग से करना होगा, जिससे सभी चीज़ों का पूर्ण उपयोग हो सके और कोई भी चीज़ नष्ट या व्यर्थ ना जाने पाए। गोधन से बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। महोदय, अपने देश में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात विगत कुछ वर्षों से जोर शोर से की जा रही है। यही नहीं, हमारे संविधान में भी महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार देने की बात स्वीकार की गई है, किंतु क्या यह सच है? यद्यपि आजकल सार्वजनिक उपक्रमों, संगठित संस्थानों, यहाँ तक कि राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और उनके प्रति भेदभाव में कमी आई है, फिर भी जहाँ तक असंगठित एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की बात है तो वहाँ अभी महिलाओं के श्रम का शोषण किया जाता है। एक तरफ जहाँ ऐसे संस्थानों प्रतिष्ठानों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं का ऐसी जगहों पर शोषण भी किया जाता है।
यही नहीं बल्कि उनको काम की तुलना में पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है। महिला श्रम का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्रों, बागवानी एवं कृषि में कार्य करता है, जहां उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम वेतन भत्ता दिया जाता है। अधिकतर उन्हें दैनिक वेतन भोगी के रूप में ही रखा जाता है और आवश्यकता या इच्छा ना होने पर हटा दिया जाता है। यद्यपि अब प्रत्येक जगह न्यूनतम मजदूरी कानून लागू हो चुका है, इसके बावजूद इस कानून की अनदेखी कर महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है। महिलाएं बेरोजगारी एवं लाचारी के चलते उस न्यूनतम मजदूरी पर भी जी तोड़ काम करती हैं, जबकि हमारे संविधान में श्रमिकों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का प्रत्येक मानव को अधिकार है। अपनी आर्थिक सामर्थ्य एवं विकासीय परिसीमाओं के अधीन राज्य इस प्रकार के प्रभावपूर्ण प्रावधान बनाएगा कि बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अयोग्यता एवं अप्रत्याशित अभावों के प्रति जनता को सहायता सुविधा सुनिश्चित की जा सके। राज्य इस प्रकार प्रयासरत रहेगा कि देश में सभी प्रकार के श्रमिकों को एक न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित की जा सके एवं श्रमिकों के लिए एक उन्नत मानव जीवन तथा कार्य की श्रेष्ठ दशाएं सुनिश्चित की जा सकें। आश्चर्य का विषय यह है कि भारत में महिला श्रम की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक तरफ जहां देश के कुल कामगारों में 28% हिस्सा महिला कामगारों का है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका हिस्सा 32% एवं शहरी क्षेत्रों में मात्र 14% ही है। यदि मुख्य कामगारों, सीमांत कामगारों एवं गैर कामगारों की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि मुख्य कामगारों में 42% हिस्सा महिला श्रमिकों का है, जबकि सीमांत कामगारों में 90% हिस्सा महिला श्रमिकों का है एवं 59% महिलाएं गैर कामगारों का है। इस तरह स्पष्ट है कि कुल कामगारों एवं मुख्य कामगारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, शहरी क्षेत्रों में कम। यही नहीं, शहरी क्षेत्रों में गैर कामगार महिलाओं की संख्या भी अधिक है। अपने देश में महिला कामगारों की संख्या कुल जनसंख्या का 22% है। यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 26% एवं शहरी क्षेत्रों में 9% है। महोदय, महिला श्रमिकों में मुख्य कामगार 15% हैं, जबकि सीमांत कामगार 6% हैं। महिला कामगारों में सर्वाधिक प्रतिशत महिला कृषि श्रमिकों का है, जबकि सीमांत के बाद दूसरा स्थान महिला काश्तकारों का एवं महिला श्रमिकों का 15% भाग अन्य विविध कार्यों में लगा हुआ है। गृह निर्माण कार्य में कुल महिला कामगारों की 5% महिलाएं कार्यरत हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास तौर से कृषि कार्यों में संलग्न श्रमिकों में तो महिलाएं ही आधार हैं, फिर भी इनका शोषण जारी है। यदि रोजगारवार देश में कार्यशील जनसंख्या एवं महिला कामगार जनसंख्या का अवलोकन करें तो यह पता चलता है स्वरोजगार में सबसे अधिक महिलाएं लगी हुई हैं, जबकि नियमित वेतन पर रोजगार पाने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 8% है एवं आकस्मिक मजदूरी पर रोजगार करने वाली महिलाओं का 38% है। यदि ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर देखें तो यह 38% क्रमशः 51% प्राप्त होता है। इससे देश में रोजगारवार कार्यशील जनसंख्या एवं कार्यरत महिला जनसंख्या का विवरण स्पष्ट है। इससे यह भी स्पष्ट है कि स्वरोजगार के अंतर्गत ग्रामीण महिला कामगारों की संख्या में बहुत कमी है, जबकि नियमित वेतन पर आधारित रोजगार में वृद्धि हुई है। आकस्मिक वेतन पर आधारित रोजगार की स्थिति उसी तरह बनी हुई है जैसे कि पहले थी। इसी तरह शहरी महिला कामगारों की
संख्या स्वरोजगार के अंतर्गत पहले से कम होकर पुनः कुछ बढ़ी है, जबकि नियमित वेतन पर आधारित रोजगार में महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। आकस्मिक मजदूरी पर आधारित महिला श्रमिकों की संख्या पहले से कम हुई है। ठीक यही स्थिति कार्य के अन्य क्षेत्रों में व्याप्त है। अगर देश में बेरोजगारी की स्थिति को देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में जो भी रोजगार मिला हुआ है उनमें उनका शोषण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा बेरोजगारी की दर अधिक है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अधिक रोजगार के अवसर जुटाने की आवश्यकता है। अपने देश में शिक्षित वर्ग में पुरुष एवं महिला रोजगार में अंतर देखने को मिलता है। रोजगार वृद्धि की दर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से अधिक रही है। शिक्षित वर्ग में स्त्रियों की रोजगार वृद्धि की दर पुरुषों की अपेक्षा अधिक रही है। तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षित पुरुष वर्ग में लगातार वृद्धि बेकारी का एक महत्वपूर्ण कारण महिलाओं का अधिक मात्रा में रोजगार ढूंढना एवं रोजगार प्राप्त करना है। शिक्षित वर्ग में महिलाओं में रोजगार वृद्धि की दर राष्ट्रीय स्तर से सदैव अधिक रही है। इसका मुख्य कारण पुरुषों में शिक्षित व्यक्तियों की रोजगार वृद्धि की दर में कमी रहना है। जहाँ तक स्त्री पुरुषों की कार्य सहभागिता का प्रश्न है तो 1991 में यह क्रमशः 22 एवं 51 रही है। हमें अपने देश में एक जन कल्याण राज्य की स्थापना करनी है। ऐसे राज्य में लोगों का हित और कल्याण प्रत्येक कार्यक्रम की अंतिम कसौटी है। हमें बीमारी और दरिद्रता को मार भगाना है और अभाव पर विजय पानी है। हम चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे देश के किसी भी भाग में रहते हों और उनका किसी भी धर्म अथवा जाति से संबंध हो, आगे बढ़ने का समान अवसर मिले और नागरिक के रूप में सबका एक जैसा अधिकार हो, जिन्हें आजकल पिछड़े हुए वर्ग या दलित जातियां कहा जाता है, वे उन्नत हों, दूसरे लोगों के साथ आ मिलें, जिससे इस देश में कोई भी पिछड़ा हुआ या दलित ना कहा जा सके। जनसाधारण में इन बातों का प्रचार करने और लोगों को उन्हें समझाने में भारत सेवक समाज बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, यह कार्य ऐसा है जिसमें एक गैर सरकारी संस्था होने के कारण आपको सहज ही सफलता मिल सकती है।